यूं तो आए हैं हम शादी में, लेकिन फोटो शूट करने के लिए हम आ चुके हैं इस लोकेशन पे, जहाँ पे हमारे साथ है हमारे प्यारे भैया। ओहो हो, मछलियाँ हम दिखाते हैं आपको एक बार। छोटी छोटी फिश आपको दिखेगी इसमें, यह है बिल्कुल कोई पॉन्ड नहीं है, फिश पॉन्ड नहीं है, चलती पानी में फिशेज है। और हमारी लोकेशन सेट हुई है वहाँ पे, हम लेंगे फ़ोटोज़। और इसी साथ ही ट्रेडिशनल वाटर मिल है, घराट आटा चक्की जिसको बोलते, जो पानी से चलती है। और इधर सामने शादी है, लेकिन हम फोटो शूट करा रहे हैं, मगर करेंगे हम जाएंगे यहाँ से। पहले जंप इधर इधर इधर, देखा स्मार्ट वर्क, भैंस की आँख। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फिशेज है, और ऐसा कुछ है पहाड़ों में रहकर यही मतलब होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम अकेले नहीं आए हैं, हेयर वी हाय, हेयर वी गॉट हमारे भैया। हेलो हेलो, कैसे हो, कैसे हो, बोलिए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आगे भाई। सेक्सी फोटोज चाहिए ना, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको भाई साहब। और रिस्क लेते लेते हम देखो ऑलमोस्ट कहाँ पे आ चुके, इतनी सेक्सी लोकेशन है। हाँ, तुम उस पत्थर पे जाके बैठो, उस पे नहीं, उसे पिछले वाले पे, तो वहाँ पे ज़्यादा सही आएगी आपकी लोकेशन, या इस पे बैठ जा, नीचे बैठ जा। अभी हमें जाना है वहाँ पे उस लोकेशन पे, वो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है। सो यहाँ से होके जाना पड़ेगा। ये लोकेशन एक बार चेक कर लो, काफ़ी अच्छी है। मैंने सोचा क्यों ना रैंडम सेट व्लॉग में आ जाए। और इस तरफ भी खेत है लोगों के, है ना, खेत है ना इस तरफ लोगों के, है ना, ये पानी के साथ लगती है सारी ज़मीन है। इस तरफ भी पूरा खेत है, धान वगैरह और काफ़ी फसलें यहाँ पर उगती है। और ये जो अपर साइड का एरिया है, ये एक बहुत डीप फॉरेस्ट है, जहाँ पर रात को अक्सर बाघ वगैरह घूमने का मतलब घूमते रहते हैं, तो एक डेंजर टाइप का बोल सकते हैं कि रात को अकेले रहना इतना सेफ। हमने आपको बताया कि इधर एक है ट्रेडिशनल घराट वाटर मिल जिसको बोलते हैं, और अभी जाते हैं देखते हैं, क्योंकि मैंने आटा चक्की जिसको बोलते हैं वाटर मिल, तो अभी जाते हैं और देखते हैं कैसे ये चलता है। वो भी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और रास्ता वैसे पता नहीं है, हमसे ये है कि ऊपर है, तो यहाँ पे लोग अभी भी आज के भी दौर में मतलब वो आटा पिसवाने आते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि घराट से पिसा हुआ आटा होता है ना, जो वो काफ़ी हद तक टेस्टी होता है, पौष्टिक होता है, शुद्ध जो पिसा होता है। रास्ता वहीं से जाना पड़ेगा, रास्ता हम गलत आ चुके, वैसे इंटेंशन नहीं था इधर आने का, लेकिन फिर अब ऐसे ही रास्ते से जाना पड़ेगा। ओह माय गॉश, इट्स ओए ओए, अब रास्ता फाइंड करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द माउंटेन्स। लेकिन खैर ये तो सामने देख ही रहा है, इसमें क्या ही फाइंड करना। या शाबाश, मैं कैसे आऊँ, मैंने इसको बोल दिया कि हाँ चढ़ जा। तो ये है घर्राट, ये जब मैं बिल्कुल छोटा सा होगा था उससे भी पहले का है ऑलमोस्ट। देखो ऐसा होता है पुराने ज़माने का घराट, तो ये घराट है, ये बेसिकली ये अंदर जो मोटर लगी होती है, मोटर भी नहीं, पत्थर होता है, उसको घुमाता है इस पानी के जोर से। तो ये है घराट अंदर से ट्रेडिशनल। नमस्ते, राम राजी उसे घराट पंकज मैं, ये है घराट, कोई नहीं रिकॉर्ड कर लेते इसको, पानी ही नहीं घूम रहा सारा ना। सो दिस वॉज इज वर्किंग ओनली ऑन वाटर, मतलब ये पानी से पूरा वर्क करेगा, जो नीचे एक सेम पीस ही है वैसा ही एक नीचे लगा हुआ है, और जो पानी ऐसे फोर्स से आएगा तो नीचे का घूमेगा, और इसके ऊपर ये भी टरबाइन घूमेगी नीचे। हाँ, टरबाइन नहीं लगती ना नीचे, मतलब टरबाइन की तरह होता है, जैसे पानी आपको प्रेशर से नीचे आएगा तो वो नीचे वाले पत्थर को घुमाएगा उसी के साथ साथ। हाँ, नीचे करा रही है, पानी गिर रहा है। अच्छा, पाइप मतलब लो आ देते थे,
अच्छा लोहा दे लोहा फेरा से पूरो दे फिटा अच्छा अब लोहा ना ई आ लोहे दे फिट अच्छा अब इधर जे चली मतलब पूरो दे इधर से चल गया जे बचाड़ा जेड़ा उपला लोहा से अच्छा साथ में ऊपर वाली मोटर घूमेगी और इधर ऊपर से मक्की डाली जाएगी और इस पीस के ये आटा बन रहा है नीचे प्योर फ्रेश चक्की आटा खारी बोलते इसको क्या बोलते डोयडा अच्छा डोयडे से लगी कोकी अच्छा दाने सट्टे करो अच्छा तो यहाँ से थोड़े 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 दाने करके निकल रहे और इसके अंदर जा रहे और पीस के आटा इधर इकट्ठा हो जाता है पूरा नीचे और वैसे ये पूरा भरी है क्या वो क्या बोलूँ तेजो खारी और थाले डोयडा घुगी पूरा तो बचा करो थाले और दाने डोयडा ही लेके आया करो ये लिखने से दाने अच्छा एक बार आप मैकेनिज्म देख लीजिए ये जो पूरा पोर्शन है दिस वन ये घूम रहा है और थोड़ा 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 करके इसी के ज़ोर से ना ये दाने निकल के इसके अंदर जा रहे हैं और पिस रहे हैं तो ये पुरानी जब मशीनरी नहीं हुआ करती उस दौर की है मैकेनिज्म है क्वाइट इम्प्रेसिव और ये देख लो घराट पूरा लकड़ी का बना है अंदर से सब कुछ लकड़ी का है पूरा और मिट्टी का ये उस टाइम सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे मिट्टी और पत्थर का ये पूरा मिक्सचर है फिर ये अच्छा तीन मतलब बंद करनी हो पानी रोक देना ना हाँ बस पानी दिशा बदल देनी पानी यदि अच्छा रहेगा पूरा ट्रेडिशनल का राट आटा का रेट मुझे अभी भी याद है जब मैं ऑलमोस्ट दूसरी तीसरी क्लास में था उस दौरान मैं यहाँ पे आया था पर उस टाइम तो ये सब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी लेकिन अब बहुत ही रेयर हो चुकी है चीज़ें काफ़ी हद तक कम देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें जो आपकी पुरानी ट्रेडिशनल है और इनका देखिए आपने देखा ये पूरा कितना ट्रेडिशनल और मैकेनिज्म खास करके मुझे इतना मतलब अट्रैक्टिव सा लगा कि उस दौरान में भी इतने जो अच्छे मैकेनिज्म थे जो आज की मशीनरी में है वैसे ही ऑलमोस्ट लगभग वही मैकेनिज्म थे उस दौरान भी तो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव तो मतलब हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते प्रीवियस दौर को कि वो बहुत ही बुरा था या बहुत पिछड़ा हुआ था काफ़ी अच्छा था वो भी एक दौर तो खैर अभी हम वापस से जा रहे हैं शादी वाले घर पे शादी में दिखा नहीं पाऊँगा उसके पीछे भी एक रीज़न है वो हम फिर कभी बात करेंगे टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय और आपको कैसा लगा ये पूरा देख के तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ देखी हुई है कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार देखी है घराट और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब ये चीज़ बहुत पहले देखी हो और अब देख रहे हो इतने सालों बाद तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड जल्दी मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय कमेंट किए बिना नहीं जाना वरना पाप लगेगा भाई साहब इतनी मेहनत करके बनाई है अंकल से बात करके टिल देन टेक केयर गुड बाय सी यू गाइस सून।